लोग पीड़ित होकर इसलिए धर्म परिवर्तन करने को मजबूर हैं कि उन्हें पिछड़ी जात का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। इसलिए निकट भविष्य के संकट को देखते हुए जिला बहराइच के मिहपुरवा तहसील के सैकड़ों लोगों में गहरी नाराजगी स्थानीय तहसीलदार और अधिकारियों से है। वह समाज के लोगों ने तहसील तक जुलूस निकालकर अपने आक्रोश का प्रदर्शन किया और धमकी दी कि अगर 23 मार्च तक उन्हें पिछड़ी जात का प्रमाण पत्र नहीं मिला तो उनके परिवार समेत लगभग 5,000 लोग धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर होंगे। वह समाज की इस धमकी के बाद जिला प्रशासन जागा है और एडीएम को नोडल अफसर बनाकर इसकी कार्रवाई शुरू की गई है। अब देखना ये होगा कि तयशुदा तारीख पर उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तो वो घोषित कार्यक्रम पर क्या निर्णय लेते हैं। आज कांगड़ जाति को लेकर के कुछ लोग यहाँ पर आए थे और उनके द्वारा जिस तरह की बातें की गई और जाति प्रमाण पत्र निर्गत ना करने की बात कही उसका मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि जिन जिन के द्वारा इस तरह की बातें की गई उनके द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, जैसे कि यथा 1363 फसली 1343 फसली, या यदि हम ये मान लें कि ये दोनों अभिलेख हमारे अभिलेखागार में मौजूद नहीं है, वैसे ऐसा नहीं है कि ये मौजूद ना हो, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये दो कागज़ हैं जो हमारे अभिलेखागार से ही प्राप्त कराए गए थे। ये देखिएगा, ये वाली जो ये है 1359 फसली का है और ये अभिलेख जो है 1343 फसली का है, क्योंकि इसी आधार पर जब कभी जाँच होती है कमेटी के द्वारा, जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा, ये एक जाँच है जो प्रयागपुर की है, वो उस टाइम पे कहोधन जाति का प्रमाण पत्र निर्गत हो गया था और ये देखिएगा 1343 के आधार पे इसको निरस्त कर दिया गया है। ये देखिएगा, क्योंकि 1343 के आधार पे उनको जाति जो है बक्काल पाई गई थी और कहोधन जाति का प्रमाण पत्र जारी हो गया था गलती से त्रुटिवश, तो जिला स्तरीय कमेटी ने निरस्त कर दिया गया है। इस तरह की दिक्कतों का सामना यहाँ पर ना करना पड़े, इसलिए सुविधा के लिए और सुसंगत अभिलेख पेश करना आवश्यक है। लेकिन यहाँ के लोगों द्वारा जिस तरह बताया गया है कि उनको लिखा पढ़ी में जिला स्तरीय अभिलेखागार से ये प्राप्त कराया गया है कि जनसूचना के माध्यम से कि उन्हें वहाँ पर 1300 या 1343 प्राप्त नहीं कराई जा रही है, जो उपलब्ध नहीं है, तो उसके विकल्प के रूप में हम लोगों ने जो है 1990 जो मंडल कमीशन के पूर्व की कोई टीसी हो, उसके परिवार की टीसी हो या किसी की भी टीसी हो जिसमें उनको जाति संबंधी सूचना हो, जैसे कि एक बच्ची थी, ये देखिए उन्होंने अपने चाचा की टीसी पेश करी, उसमें देखिएगा यहाँ पर 1973 डेट ऑफ बर्थ है उनके चाचा की और यहाँ कांगड़ू जाति लिखा हुआ है, तो इसके आधार पर हम लोगों ने जो है विधिवत देखा कि हाँ कोई प्रभावित ना हो। लेकिन हम लोग, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट जो अन्य वर्ग के ओबीसी वर्ग के अन्य लाभार्थी हैं इससे छूट ना हो जाए, क्योंकि देखिए अगर हम किसी को ओबीसी में शामिल करेंगे, अगर हमारे पास समुचित अभिलेख नहीं होंगे तो माननीय हाईकोर्ट में जाकर के अगर कोई रिट डालता है तो वहाँ जवाब देना पड़ेगा हम लोगों को। और देखिए ये जो है, क्योंकि ये कांगड़ू हैं, इनके परिवार नकल के आधार पर ये देखिएगा, ये मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिएगा, ये राम प्रकाश जी हैं, इनकी भतीजी का नाम गौली है और इसी आधार पर हमने इनका जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। ये देखिएगा क्या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले एक वर्ष से लगभग हम दो बार लड़ाइयाँ लड़े, पिछले तहसीलदार ने भी हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनाने से मना किया था, हम लोगों ने प्रदर्शन किया था तो उन्होंने आदेश दिया था कि हम 15 जनवरी को आदेश हो गया था, बनने लगा था, जब से ये आए हैं तो कहते हैं उसने गलत किया था, मैं उसकी बात को नहीं मानता हूँ।